एलएलबी में पढ़ाया जाने वाला पेपर है ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग। तो इसकी आज आप बात करेंगे, हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, और इसकी हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे। बाकी जो तैयारी है आपको टेक्स्ट बुक से करनी है, इसमें मेनली जो है रिटर्न नमूने वगैरह भी के बेस पे लिखने को भी आता है, और नमूने बनाने को भी आते हैं कि सब रिप्लेंट बनाइए, रिटर्न स्टेटमेंट बनाइए या बना के दीजिए, तो वो सब भी आपको उसमें से देख लेना है कि उसके एक तरह से प्रोफार्मे जैसे बने हुए टेक्स्ट बुक में रहते हैं। अब सबसे पहली बात जो आती है वो ये आती है कि भाई प्लीडिंग के ऑब्जेक्ट क्या हैं या फंक्शन क्या है, प्लीडिंग की ज़रूरत क्या होती है, जैसे हिंदी में अभिवचन कहते हैं प्लीडिंग। तो सबसे पहली बात यह है कि प्लीडिंग है क्या। तो अभिवचन या प्लीडिंग जिसे हम कह रहे हैं वो लिखित कथन होते हैं जो वाद या कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। जो वाद करना है या कार्रवाई करनी है, हमें केस करना है, उसकी कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, और उसमें वे सभी तथ्य दिए जाते हैं यानी फैक्ट्स दिए जाते हैं जो वाद के यानी केस की सुनवाई के समय उठाए जाते हैं। विवरणों को प्रस्तुत किया जाता है, उन डिटेल को प्रस्तुत किया जाता है जो विरोधी पक्षकार के लिए जानना आवश्यक है, यानी दोनों पक्षकारों के जो वो होते हैं जो कथन होते हैं वो एक तरीके से प्लीडिंग्स में होते हैं। बाकी तो अलग अलग राइटर्स की परिभाषाएं हैं, लेकिन दीवानी प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी के ऑर्डर 6 में जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है। उसमें जो तात्पर्य है उसमें दो चीज़ें दी गई कि वाद पत्र और लिखित कथन, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। यानी जब हम केस फाइल करते हैं तो वो प्लेंट फाइल करते हैं, वाद पत्र कहलाता है, और जो उसका जवाब दिया जाता है वो रिटर्न स्टेटमेंट यानी प्रतिवाद पत्र होता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं अभिवचन में शामिल होती हैं, प्लीडिंग में शामिल होती हैं। वाद पत्र में क्या होता है, दावे का बयान होता है, लिखित रूप से न्यायालय में पेश किया जाता है और बताता है कि हमारा वाद का कारण यानी काज ऑफ एक्शन और आवश्यक बातें इसकी ये है, इसलिए साहब हम केस लेके आए। प्रतिवाद पत्र में उसका बचाव किया जाता है कि भाई ये जो जो वाद पत्र में लिखा है ये इसलिए गलत है या हम इसे इसलिए इसे स्वीकार करते हैं। अब बात आती है कि इसके मूल नियम क्या है। तो जहाँ तक मूल नियम है इसे भी जो है सीपीसी के ऑर्डर 6 में दिया गया है। उनमें से पहली बात यह है कि केवल तथ्यों का वर्णन करना है, विधि का नहीं करना है। यानी आपको ये तो बताना है कि हाँ सब क्या क्या तथ्य क्या क्या हुआ, आपको ये नहीं बताना है कि कौन से कानून के अंतर्गत गलत हुआ या क्या गलत हुआ। क्या गलत हुआ तो बताएंगे, कानून का विवरण आप नहीं बताएंगे, ठीक है। दूसरा, केवल सारवान तथ्यों का वर्णन करना है यानी मेटेरियल फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स का वर्णन करना नहीं है कि आपको लंबी सी कहानी सारी नहीं लिखनी है। आपको जो सारवान तथ्य हैं जिसपे बेस है वो मुकदमा, उसका तथ्य है यानी मेटेरियल फैक्ट देना है, ना कि सारे फैक्ट। इसके बाद केवल तथ्यों का वर्णन करना है, साक्ष्यों का नहीं करना। आपको ओनली फैक्ट्स मस्ट बी स्टेटेड, नॉट एविडेंस। एविडेंस नहीं बतानी है कि आपको, एविडेंस की तो बाद में बात होगी, अभी तो आपके तथ्यों को बताना है कि साहब ये तथ्य जो है ये तथ्य हैं इसके, और इन तथ्यों के पे आधारित है। जो प्लीडिंग है हमारी संक्षेप में होनी चाहिए लेकिन यथार्थ और निश्चित होनी चाहिए, यानी प्लीडिंग मस्ट बी कंसाइज बट प्रॉपर रियल एंड सर्टेन। निश्चित होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, यानी महत्वपूर्ण तथ्य होने चाहिए, संक्षेप में होना चाहिए, लेकिन संक्षेप इतना भी नहीं होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट जो आपके फैक्ट्स हैं रियल फैक्ट्स हैं वो भी छूट जाए। पांचवा ये है कि पैराग्राफ में बटी हुई होना चाहिए अभिवचन। प्लीडिंग मस्ट बी डिवाइडेड इंटू पैराग्राफ्स, अभिवचन जो है पैराग्राफ में बटा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी आप कहानी कथा जो है एक साथ लिख दें, आपको अलग अलग जो है पैराग्राफ बना के लिखनी है, अनावश्यक तथ्यों को छोड़ देना है और महत्वपूर्ण तथ्य को जो है भाषा पे जो है ध्यान दिया जाना है कि वो कंसाइज रहे, और जो है वो उसे वो अलग अलग पैराग्राफ में बटी हुई होनी चाहिए। छठी बात यह है कि प्लीडिंग मस्ट बी साइंड, जो है सीपीसी के रूल ऑर्डर 6 रूल्स 14 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक अभिवचन पर पक्षकार के या उसके अधिवक्ता के तथा उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर करने में जो असमर्थ व्यक्ति है वो निशानी अंगूठा लगा सकता है।
अब ये क्यों नियम बनाया गया, ये इसलिए नियम बनाया गया कि वादी ये ना कह सके कि साहब उसे वाद दायर करने में जो है उसकी अनुमति नहीं ली गई या उसकी बिना अनुमति के जो है वो कर दिया गया। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा वादी हैं, यानी मुकदमा करने वाले एक से वादी हैं, तो वाद पत्र पर प्रत्येक को हस्ताक्षर करना चाहिए। लेकिन जो है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो ये नहीं कह सकता कि भाई वादी के रूप में उसे नहीं बनाया जा सकता जब तक उसे सिग्नेचर ना किए जाएं, ये नहीं है। लेकिन किए जाने चाहिए ताकि वो ये इनकार ना कर सके कि मेरी जानकारी के बगैर ये वाद पत्र फाइल कर दिया गया। सातवीं बात यह है, अभिवचन का सत्यापन हो जाना चाहिए, प्लीडिंग मस्ट बी वेरीफाइड, यानी दीवानी CPC के ऑर्डर 6 रूल 15 में ये कहा गया कि वो सत्यापन होना चाहिए कि ये जो जानकारी दी गई है इसमें, इसके इस पैराग्राफ में, वो निजी जानकारी है या प्राप्त सूचना पे जानकारी है या लीगल जानकारी पे जानकारी है, तो वो सत्यापित होना चाहिए। ये तो हमारे अभिवचन के नियम की बात हुई। अब दूसरा होता है वैकल्पिक अभिवचन, अल्टरनेटिव प्लेडिंग। तो वैकल्पिक अभिवचन किसे कहते हैं कि वादी को वैकल्पिक रूप से कई विभिन्न अधिकारों को दावा करने और प्रतिवादी को विभिन्न बचावों में अभिवचन करने का, जिन्हें वो चाहे विधि आज्ञा देती है, तो उसमें यह है कि वो उसके विकल्प जो है, जो वैकल्प होते हैं, जैसे प्रीएम्पशन का हुआ, उसके लिए वो वाद दायर कर सकता है, उसे वो कर सकता है, या जो है दावा अवधि टाइम बार्ड वाली बात कर सकता है, तो वो वैकल्पिक अभिवचन कहलाते हैं। असंगत अभिवचन, इनकंसिस्टेंट प्लीज, तो असंगत और वैकल्पिक अभिवचनों को करने या संगत आपत्ति नहीं हो सकती बशर्ते कि उस पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इस सबसे हमने देखा अभिवचन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य इस बात की जानकारी देना है न्यायालय को कि पक्षों का मामला क्या है। तो जो प्लीडिंग है, हमने सबसे पहले जो है वाद पत्र दिया, उसके बाद जो है ये जाना, न्यायालय को पता चल गया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, किस बेस पे दावा करना चाह रहे हैं, क्या कारण है। और उसके बाद अपोजिट पक्ष ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया, उससे ये पता चल गया कि इनका क्या कहना है, किस किस बात पे स्वीकार है ये और किस किस बात पे स्वीकार नहीं है, यानी कौन कौन से पॉइंट जो है मुकदमा लड़ने के हैं, जिसे वाद पद कहते हैं, यानी इश्यूज़ बाद में रचना की जाती है CPC में कि कौन कौन से पॉइंट पे जो है न्यायालय को निर्णय करना है। तो इश्यूज़ उसके आधार पर बनाए जाते हैं जो निर्णय करने के वो रहते हैं कि भाई इस पे डिस्प्यूट है, जिस पे डिस्प्यूट नहीं है उस पे कोई बात नहीं है, उस पे न्यायालय को तय ही कुछ नहीं करना है, जिस पे तय करना है वो इश्यूज बन जाते हैं। अगली बात है अभिवचनों का संशोधन यानी अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। दीवानी प्रक्रिया संहिता की आदेश 6 में है और नियम 17 में ये कहा गया है कि न्यायालय कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में, किसी भी स्टेज पर, उनमें से किसी भी पक्षकार को अपने अपने अभिवचन में परिवर्तन करने यानी संशोधन करने के इस शर्त पर अनुमति दे सकता है जो वो उचित समझे और अनावश्यक रूप से ना किए जाए। उसे संशोधन, कोई गलती रह गई है वो संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मुकदमे की नौइयत नहीं बदलनी चाहिए कि भाई आप किसी मुकदमा किसी चीज़ का कर रहे हैं, मुकदमे ही बदल दिया आपने संशोधन करके, तो वो नहीं किया जा सकता। अपील न्यायालय में भी जो है संशोधन किए जा सकते हैं, प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 6 नियम 17 में ये है, लेकिन प्रारूप बिल्कुल ना बदल जाए तब जो है द्वितीय अपील में मंजूर नहीं किए जा सकते। अब सवाल ये है कि कब संशोधन की अनुमति दे सकता है न्यायालय। किसी भी अवस्था में संशोधन मंजूर कर सकता है, लेकिन न्यायालय की अनुमति से होंगे संशोधन। सबसे पहली बात यह है कि उसका अधिकार नहीं है किसी भी जो है वादकारी का कि वो एप्लीकेशन दे और साहब मैं तो ये संशोधन करना चाहता हूँ और न्यायालय मान ले। न्यायालय की अनुमति होगी, न्यायालय देखेगा उसको कि हाँ साहब इसको अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। प्रस्तावित संशोधन जो हैं के द्वारा दूसरे पक्षकारों को अन्याय नहीं होता है, और उस सूरत में अन्याय नहीं होता जहाँ धन के रूप में उसको प्रतिकर दिया जा सकता है, तो अन्याय नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रस्तावित संशोधन पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के निपटारे के लिए आवश्यक है, यानी ये भी ज़रूरी है कि संशोधन से जो है इसलिए ज़रूरी हों वो संशोधन करना कि वास्तविक जो प्रश्न है
जो मुकदमे के उसका निपटारा किया जा सके आसानी से। प्रस्तावित संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रकृति के वाद को दूसरी प्रकृति का वाद बना दे, नेचर ही बदल दे। और चौथी बात यह है कि आवेदक की ओर से सद्भावना बढ़ती गई हो, गुड फेथ में होना चाहिए, उसे ज़बरदस्ती का नहीं होना चाहिए या परेशान करने के लिए या मुकदमा खींचने के लिए, लंबा खींचने के लिए संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। अब कब अस्वीकार किया जा सकता है, यानी कब मना किया जा सकता है इससे, कि जहां पक्षकारों के बीच विवादग्रस्त प्रश्नों के निपटारे के उद्देश्य के लिए प्रस्तावित संशोधन ही आवश्यक नहीं है। जब निपटारा करने के लिए संशोधन आवश्यक नहीं है तो उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। संशोधन का प्रस्ताव एक बिल्कुल भिन्न नया मुकदमा लेके आ जाता है, वह तब भी नहीं किया जाएगा। जहाँ संशोधन में विरोधी पक्ष को ऐसी क्षति पहुँचती है जिसकी पूर्ति खर्चों के संबंध में शर्तें लगाकर या अन्यथा नहीं की जा सकती, मतलब ऐसा नुकसान पहुँचा दिया जाता है, पहुँच सकता है उस संशोधन से, जहाँ प्रतिवादी के किसी ऐसे अधिकार को छीन लेगा जो बीत जाने से उसको प्राप्त हुआ, समय बीत जाने से अगर उसको प्राप्त हुआ हो तो वो ऐसा संशोधन नहीं कर सकता है। जहाँ पक्षों को उन तथ्यों की पूरी जानकारी थी जिन पर वो एक नया मुकदमा पेश करना चाहता है, तो अगर पूरी जानकारी पहले से है तो अब क्यों संशोधन कर रहा है। जहाँ वादी काज ऑफ एक्शन पर मुकदमा लाकर किसी ऐसे नए और स्वतंत्र वाद कारण को पेश करने के लिए संशोधन चाहता है जो मुकदमा दायर करने के बाद उत्पन्न हुआ, तो मुकदमा दायर करने के बाद कोई काज ऑफ एक्शन उत्पन्न होता है तो उस पर संशोधन नहीं किया जा सकता। और आठवां यह है कि जहाँ संशोधन के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया गया है वो जो है सद्भावना में न किया हो, बैड फेथ में किया गया हो, जानबूझ के मुकदमा खींचने के लिए किया गया हो, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे जो है प्लीडिंग में आती हैं, ये प्लीडिंग की बात है। अब बात करते हैं प्रलेख शास्त्र यानी कन्विंसिंग। अब प्रलेख शास्त्र का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग कन्विंसिंग का क्या है। कोई व्यक्ति अपने सांपत्तिक अधिकारों को यानी संपत्ति के अधिकारों को विभिन्न प्रकार से अंतरित कर सकता है, ठीक है। अब जैसे सेल डीड हुई, दान विलेख हुए, तो इनके जो डीड लिखे जाते हैं, इनके जो विलेख लिखे जाते हैं, दस्तावेज लिखे जाते हैं, उनके लिखने को कन्विंसिंग कहते हैं। कि कन्विंसिंग क्या है कि जो डीड एक तरीके से जो डीड लिखी जा रही हैं उनको जो है जो लिखना है उसको कह रहे हैं, जैसे हस्तांतरण लेखन, जैसे हस्तांतरण लेखन भी हम कह सकते हैं, कन्विंसिंग को हस्तांतरण लेखन भी कह सकते हैं। तो इसमें जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 210 में, 2 की सब सेक्शन 10 में इसे दिया गया है कि हस्तांतरण लेखन से तात्पर्य एक जीवित व्यक्ति द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को चल या संपत्ति के अंतरण से है, के लेखन से है। अब ऑब्जेक्ट क्या है कन्विंसिंग का, प्रलेख शास्त्र क्यों लिखा जाता है, तो प्रलेख शास्त्र का जो उद्देश्य है किसी जीवित व्यक्ति द्वारा संपत्ति के अंतरण की इच्छा को किसी दस्तावेज द्वारा प्रकट करना, कि वो किन शर्तों पर किसी अन्य जीवित व्यक्ति को कोई चल या अचल या कोई अन्य अधिकार प्रदान करता है। जैसे बिक्री नाम से ये प्रकट होता है कि अंतरणकर्ता अपनी चल या अचल संपत्ति के शर्तों पर अंतरण करता है। इसी प्रकार किरायेनामे में किराएदार के अधिकार होते हैं, तो ये इसका जो है कन्विंसिंग होती है कि प्रलेख शास्त्र का उद्देश्य जो है कन्विंसिंग का ये होता है कि सब वो एक दस्तावेज बनाए जिससे अंतरण की इच्छा उसकी प्रकट हो। अब विलेख का क्या अर्थ होता है, डीड बनानी पड़ती है इसमें, तो कोई भी दस्तावेज जिसके द्वारा अधिकारों के अंतरण की कार्रवाई की जाती है यानी ट्रांसफर की कार्रवाई की जाती है राइट्स के, उसे विलेख कहा जाता है यानी उसे डीड कहा जाता है। अब डीड के क्या आवश्यक भाग होते हैं, अब डीड के आवश्यक भाग देख लेते हैं। डीड के आवश्यक भाग से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जितने भी प्लीडिंग जो है ये कन्विंसिंग लिखी जाती हैं यानी प्रलेख डीड लिखी जाती हैं उन सबके को कैसे लिखा जाता है, ये सब समझ में आ जाएगा। बाकी आपको अपनी बुक से इसके नमूने देख लेने। तो सबसे पहला पार्ट जो है विलेख का वर्णन होता है, आरंभ में ये दिया जाता है कि भाई ये है क्या, ये विक्रय विलेख है यानी सील डीड है, क्या है, तो ये सबसे पहला पार्ट होता है। उसके बाद जो है डेट ऑफ डीड होनी चाहिए कि डेट के जो है कि जो ये जो है जो भाग है ये इस
मतलब इस सिमेट्री में नहीं रहते, लेकिन ये सब चीज़ें इसमें डीड में होनी ज़रूरी है। ये एक तो विलेख का वर्णन हो कि भाई ये है क्या, दूसरा ये कि विलेख की तारीख होनी चाहिए कि विलेख के नाम के पश्चात का अंत में हस्ताक्षर से पहले उसके निष्पादन की तारीख लिखनी है कि भाई कौन सी डेट को ये एग्जीक्यूट किया गया है, निष्पादन किया गया है। लागू होने की तिथि का अगर कोई अन्य तारीख नहीं दी जाती तो अब निष्पादन की एग्जीक्यूशन की तारीख ही उसे मान ली जाएगी, जो इसे जो है तारीख माह वर्ष में लिखा जाना चाहिए। अगर लागू होने की तारीख है तो लागू होने की अलग से तारीख लिखी जानी चाहिए। तीसरा, विलेख के पक्षकार यानी पार्टीज ऑफ डीड साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। पक्षकार के नाम लिखने की दो रीतियाँ होती हैं, एक रीति के अनुसार समव्यवहार के पक्ष द्वारा विलेख को लिखा जाता है तथा तो दूसरा पक्ष उसके हित में लिखा जाता है जो विलेख को स्वीकार करता है, ठीक है। दूसरी रीति के अनुसार समव्यवहार का विलेख समस्त पक्षों की ओर से लिखा जाता है, मतलब एक तो एक पक्ष ने लिखा, दूसरे ने स्वीकार कर लिया, एक समस्त पक्ष हम ये तय करते हैं, हमने ये तय किया है, और पहला ये कि सब पक्षकार नंबर एक ने ये तय किया और पक्षकार नंबर दो ने उसे स्वीकार कर लिया, तो ये दो तरीके से इसे आप लिखा जाता है। इसमें प्रत्येक पक्षकार का पूरा नाम होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए, आयु होनी चाहिए, निवास स्थान तथा कारोबार आदि का वर्णन किया जाना चाहिए, और पक्षकार के जो पहले भाग में ये कर दिया वो पश्चातवर्ती यानी बाद के भागों में कोई सरल नाम कह सकते हैं कि भाई क्रेता विक्रेता बंद की, इस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं ताकि उसे बार बार उन नामों को ना दोहराना पड़े। चौथा पार्ट जो है आख्यान होना चाहिए यानी डिस्क्रिप्शन, तो उसका आरंभ चूंकि शब्द से किया जाता है, वर्णित विलेख का संक्षिप्त इतिहास वर्णन सही ढंग से किया जाता है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। उसके बाद पांचवा पार्ट होता है परिवर्तनशील भाग यानी इफेक्टिव पार्ट, तो इसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है कि अब ये विलेख साक्षात्कार करता है यानी एविडेंट करता है कि उसमें इस प्रतिफल का उल्लेख किया जाता है कि साहब ये चीज़ें ऐसे ऐसे की जाएंगी। ये इफेक्टिव पार्ट में के बहुत सारे जो है सब पार्ट होते हैं, यानी इफेक्टिव पार्ट ही मेन पार्ट है इसका। तो जैसे पहले प्रभावी शब्द होना चाहिए कि विक्रय करता है, करार करता है, या जो है क्या करता है, कि विक्रय कर दिया तो विक्रय करता है। अंतरित संपत्ति का विवरण आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी आनी चाहिए, भाई कौन सी संपत्ति है, कैसी है, क्या है। संपत्ति पर भार का वर्णन होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्ज ओवर प्रॉपर्टी के साथ, वो गिरवी तो नहीं है या कुछ पे कोई भार तो नहीं है, वो सारी चीज़ें उस पर आना चाहिए। अपवाद तथा आरक्षण होना चाहिए कि अगर वो एक्सेप्शन एंड रिजर्वेशन यानी कोई चीज़ अपने लिए छोड़ के रखना चाहता है कि साहब ये अधिकार मेरा रहेगा, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें लिखी हुई जानी चाहिए। एक संविधाएँ कन्वीनियंट यानी शर्तें का उल्लेख होना चाहिए स्पष्ट रूप से कि पक्षकार इन शर्तों पर राजी हैं। और छठा साक्ष्य, जो ये पार्ट परिवर्तनशील पार्ट हो गया, और छठा एविडेंस वाला पार्ट होता है, पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित करने का साक्ष्य दिया जाता है, हस्ताक्षरित करने का कि भाई ये साइन किए गए हैं, इसके सामने साइन किए गए हैं, ये साक्षी हैं, ये सब किया जाता है। और सातवां हस्ताक्षर और प्रमाणीकरण होता है यानी सिग्नेचर और अटेस्टेशन, ये अंतिम भाग है। इसमें पक्षकारों द्वारा प्रमाणित करने वाले साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है और विलेख का निष्पादन तथा तो साक्षी एक दूसरे की उपस्थिति में साइन करें, ये भी ज़रूरी है कि वो साइन जो है उपस्थिति में एक दूसरे की करें। तो ये हमने देखा कि जो विलेख शास्त्र है यानी कन्विंसिंग है ये है। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई जो इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जनरली होते हैं, जैसे वाद पत्र है, वाद पत्र में क्या होता है, वाद पत्र का जो है जो पार्ट होते हैं उसकी बात हम कर लें। जैसे वाद पत्र हमने देखा था जो प्लीडिंग में वाद पत्र की बात की थी, तो प्लीडिंग में वाद पत्र जो होता है, जो मुकदमा दर्ज किया जाता है उसे हम जो एप्लीकेशन है समझिए उसे वाद पत्र कहते हैं मुकदमे की। तो वाद पत्र के में सबसे पहला भाग ये होता है कि वाद पत्र का शीर्षक और नाम लिखा होता है, तो शीर्षक में जो है वादी का नाम प्रतिवादी का नाम लिखे हुए रहते हैं। दूसरा वाद पत्र की बॉडी होती है, उसमें ये लिखा रहता है कि भाई वाद पत्र के तथ्य क्या क्या हैं, कब उत्पन्न हुआ, क्षेत्र अधिकार न्यायालय को प्राप्त है या नहीं है। और तीसरा पार्ट दावा किया गया अनुतोष होता है कि यानी प्रेयर होती है कि भाई आप क्या मांग रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ नियम हैं, मौलिक नियम वाद पत्र के। धन संबंधी वादों में
निश्चित रकम जो है वाद पत्र में लिखी जाएगी, आदेश 7 नियम 1 में लिखा गया, सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 1 में ये लिखा गया है। इन केस ऑफ सूट ऑफ रिलेटिंग टू मनी जो होगा उसमें निश्चित रकम लिखी जाएगी। जहाँ वाद पत्र की दूसरा, जहाँ वाद पत्र की विषय वस्तु अचल संपत्ति है, इन केस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आदेश 7 नियम 4 में, वहाँ वाद पत्र में संपत्ति का वर्णन ऐसा वर्णन किया जाएगा जिससे पहचान लिया जाए उसे। जहाँ वाद प्रतिनिधि के रूप में किया गया है, इन केस प्लेंटी फाइल सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, तो वहाँ जो है उसकी विषय वस्तु वास्तविक हित विद्यमान है, वरन उससे संबंधित वाद दायर करने के लिए समर्थ बनाने के लिए क्या कदम उठाया जा चुका है वो भी बताया जाएगा कि भाई रिप्रेजेंटेटिव स्थिति में है तो वो जो वाद दायर कर रहा है उसे ये अधिकार कहाँ से मिला है, कैसे मिला है। प्रतिवादी के हित और दायित्व को दिखाया जाएगा, आदेश 7 नियम 5 ये कहता है कि वाद पत्र में ये दिखाया जाएगा कि प्रतिवादी वाद की विषय वस्तु में हित रखता है या रखने का दावा करता है, वो वादी की मांग का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी है। और चौथा पांचवा चीज़ ये है, मर्यादा विधि से छूट का, यानी ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लॉ ऑफ लिमिटेशन, यानी जहाँ पर लिमिटेशन का प्रश्न है तो उसमें अगर कोई छूट पाने के लिए दावा किया गया है कि सर इसमें इतनी छूट हमें और मिल जाएगी, तो वो भी उसमें लिखा जाएगा। अनुतोष का लिखित कथन जो है ऑर्डर 7 रूल 7 में ये लिखा गया है कि जो अनुतोष मांगा गया है, रिलीफ मांगा गया है, उसे लिखित रूप से किया जाएगा। और पृथक आधारों पर आधारित अनुतोष, जो अलग अलग ग्राउंड पे अनुतोष मांगा गया है, रिलीफ मांगा गया है, उसे अलग अलग तरीके से जो है स्पष्ट किया जाएगा, जहाँ तक संभव हो अलग अलग लिखे जाए। तो ये बात हमने की आपकी प्लेंट की, यानी वाद पत्र की। अब हम बात करते हैं लिखित कथन की, ये भी हमने प्लीडिंग में बात की थी लिखित कथन की। तो प्रतिवाद पत्र क्या होता है, लिखित कथन से तात्पर्य जो है वह प्रतिवादी की ओर से वाद पत्र के उत्तर में जो डॉक्यूमेंट, वो जो बचाव में अपना उत्तर दाखिल किया जाता है उसे प्रतिवाद पत्र कहते हैं, यानी रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। इसके आवश्यक भाग, प्रतिवाद पत्र का शीर्षक और नाम, प्रतिवाद पत्र का शरीर बॉडी जैसे हमने कहा था, और तो उसमें वही है, और उसमें जो आपत्तियां उठाई जा सकती हैं वो आपको जो है उसमें आपत्तियां उठाई जाती हैं कि साहब विलंबकारी है कि डायलेटरी प्लीज़ है, या वाद खंडित करने का आधार है प्रीएम्प्टरी प्लीज़ है, प्लीज़ हैं और विलंबकारी अभिवचन है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें उठाई जाती हैं कि बात खंडित करने का विशेष बचाव, समझौता और समाधान और कानूनी आपत्तियां जो हैं ये पेश की जाती हैं इसके में, और इसमें जो है ऑर्डर 8 में इसकी जो है व्यवस्था की गई है कि ऑर्डर 8 में जो है कि कैसे कैसे जो है इसमें जो है लिखित कथन में जो है कौन कौन सी आपत्तियाँ की जा सकती हैं, कैसे कैसे। अब बहुत सारी इंटरक्यूलरी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस होती हैं, तो इसमें जो एप्लीकेशंस होती हैं ये जो है कि हमें स्टे चाहिए, इस तरह से एप्लीकेशन है, या अदर एप्लीकेशंस हैं जो है उस तरह से इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन कहलाती हैं। ओरिजिनल पिटीशन कि जो पिटीशन हम फाइल करते हैं वो ओरिजिनल पिटीशन हुई, जैसे हम एक्सीडेंटल क्लेम के लिए पिटीशन फाइल करते हैं तो वो पिटीशन हुई, तो उसमें जो है उस एक्ट के हिसाब से, जिस एक्ट के हिसाब से हम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो पिटीशन फाइल की जाती है। एफिडेविट शपथ पत्र होते हैं, तो जितने भी हम मुकदमे फाइल करते हैं उसके सपोर्ट में शपथ पत्र हम फाइल करते हैं। एग्जीक्यूशन पिटीशन ये होती है कि एक मुकदमे में न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया कोई, और उसे लागू करवाने के लिए, उसका अनुपालन करवाने के लिए, उस आदेश के लिए एग्जीक्यूशन पिटीशन की जाती है कि साहब उसने कहा कि साहब ये संपत्ति इस ए से बी को दे दी जाए, तो जो है बी जो है बी को मिलनी है, तो बी उसने जो है न्यायालय के आदेश का पालन जब नहीं किया तो हम कोर्ट में जाते हैं कि भाई इसका पालन करवा दिया जाए, तो उसे एग्जीक्यूशन पिटीशन कहते हैं। अब मेमोरेंडम ऑफ अपील एंड रिवीजन,
जो हम अपील फाइल करते हैं उस अपील के प्रार्थना पत्र को हम मेमोरेंडम ऑफ अपील कहते हैं। जो रिवीजन फाइल करते हैं कि क्या भाई कोई न्यायालय ने आदेश कर दिया है तो उसके लिए फाइनल आदेश के लिए अपील होती है। इंटरिम ऑर्डर है या जो है इंटरिम ऑर्डर है उसके लिए रिवीजन भी फाइल हो सकता है, या जो है कोई लीगल प्रश्न है उस पर रिवीजन फाइल हो सकता है। तो वो रिवीजन एप्लीकेशन जो होती है उसे मेमोरेंडम ऑफ अपील या मेमोरेंडम ऑफ रिवीजन कहते हैं। अब जो पिटीशन है अब जो हाई कोर्ट में होती है आर्टिकल 226 में होती है कॉन्स्टिट्यूशन के, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में होती है। तो इसमें जो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन होती है उसमें लीगल राइट का वायलेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होगा तभी हो सकती है। तो इसमें हमें दिखाना पड़ता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हुआ है, कौन से लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, ये ग्राउंड्स में दिखाना पड़ता है। और आर्टिकल 32 में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट हो सकती है। तो रिट पिटीशन का दोनों का प्रोफार्मा करीब करीब एक सा रहता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसमें लीगल राइट की बात नहीं होगी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात होगी कि अगर फंडामेंटल राइट का किसी का वायलेशन हुआ है तभी हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। तो उसके रिट पिटीशन में वैसी ही उसे लिखा जाता है। जहाँ तक क्रिमिनल जो है प्लीडिंग की बात होती है उसमें कंप्लेंट होती है कि भाई आपने कोई मुकदमा किसी ने अपराध किया तो उसके लिए आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जिसे इस्तगासा कहते हैं, और क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन भी अलग से फाइल कर सकते हैं। क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन यानी उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट वगैरह भी जाते हैं तो उसके लिए भी एप्लीकेशन क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जमानत पे छोड़ने के लिए हम बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और यह क्रिमिनल में भी मेमोरेंडम ऑफ अपील और रिविज़न फाइल करते हैं। यानी अगर क्रिमिनल अपील है उसे क्रिमिनल अपील में क्रिमिनल अगर अपील है तो जब मेमोरेंडम उसका जो प्रार्थना पत्र है समझिए या एप्लीकेशन है अपील की तो मेमोरेंडम ऑफ अपील है, और रिवीजन है तो मेमोरेंडम ऑफ रिवीजन। ड्राफ्टिंग में जो है सेल डीड जो है वो ये विक्रय करना है, एक संपत्ति को अचल संपत्ति को सेल किया गया है तो वो सेल डीड लिखी जाती है। मॉर्गेज डीड अगर बंधक किया गया है गिरवी रखा गया है तो मॉर्गेज डीड लिखी जाती है। लीज डीड लीज किराए पे अगर चाहे 30 साल के किराया वाला हो या एक हम जो है एक साल के किरायेनामा हो उसे लीज डीड ही कहते हैं। गिफ्ट डीड अगर किसी दूसरे व्यक्ति को दान दिया गया है तो गिफ्ट डीड होती है। प्रॉमिसरी नोट जो है आपस में जो है संपत्ति उसको प्रॉमिसरी पैसे के लिए प्रॉमिसरी नोट होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी भी अन्य व्यक्ति को जो है अधिकार दिया जाता है अपनी ओर से तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी में सबसे मेरे विचार से सबसे कमज़ोर डॉक्यूमेंट होता है, वो इसलिए कि अगर जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसने दी है उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, एक बात। दूसरी बात ये कि वो कभी भी वापस ले सकता है पावर अटॉर्नी, और पावर ऑफ अटॉर्नी से एडिशनल और जो है अधिकार दिया जाता है उस संबंधित मास्टर का जिसने पावर अटॉर्नी दी है, अधिकार ख़त्म नहीं होता है। उसने भले ही मुख्तार आम बना दिया है, लोग जनरली ये करते हैं कि मुख्तार आम बन गए तो वो सोचते हैं कि प्रॉपर्टी समझ खरीद ली वैसे और मुख्तार आम बन गए और उसका मुख्तारनामा ले लिया, तो ऐसी मुख्तारनामा उर्दू में पावर अटॉर्नी को कहते हैं। तो अगर ले लिया तो वो सोचते हैं कि साहब हम तो मालिक हो गए, ऐसा नहीं होता है, वो कभी भी उसे ख़त्म कर सकता है। और दूसरी बात ये कि पावर अटॉर्नी के एवज में पावर अटॉर्नी के आधार पे जो भी कंसीडरेशन उसे मिलेगा वो उसे देने के लिए बाध्य है, वो उसका नहीं होगा। और वो अगर मान लीजिए नहीं देता है तो वो जो मास्टर है उस पर दावा कर सकता है। एक विल होती है, विल वसीयत आप कहते हैं, वसीयत ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ज़िंदगी में लागू नहीं होता, ज़िंदगी के बाद लागू होता है, और इसे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन करा लें अच्छा है, रजिस्ट्रेशन में एविडेंस में उसे वैल्यू दी जाती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ना होने पे भी इनवैलिड नहीं हो जाता, जबकि बाकी जो डीड हमने बताई वो अगर जो है 100 रुपये से ज़्यादा की हैं की संपत्ति की हैं अचल संपत्ति की तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये कहता है कि वो इनवैलिड होंगी अगर रजिस्टर्ड नहीं। बस इसमें यही कहना है कि आप अपने बुक से इसकी डिटेल जो है जानकारी हासिल कर लें। ये केवल जानकारी एक शॉर्ट जानकारी के लिए है कि आपको पता चल जाए कि इस पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं और ये प्लीडिंग कन्वेंसिंग वास्तविकता में है क्या। धन्यवाद।